दोस्तों, आज आपका स्वागत है टेक्निकल डिशेज वार्ड में। आज मैं आपको बताऊंगा टच और डिस्प्ले कैसे फोल्डर बनाते हैं। इनका मात्र 15,000 रुपये की मशीन में आप 65,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप 15,000 रुपये में ही फोल्डर बना सकते हो। कैसे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं फोल्डर। चलो आप देखते हैं। ये हमने डिस्प्ले अलग कर लिए, टच अलग कर लिए। अब देखते से बनाते कैसे हैं। पहले आप इसको क्लीन कर लें इस तरह से, इसमें जिसमें कोई डस्ट ना रहे, एकदम क्लीन। देख सकते हो आप, एकदम क्लीन कर लिए हमने इस केमिकल की मदद से। यह है आपका 530। इस केमिकल से आप क्लीन कर लें पहले डिस्प्ले को। ये देख सकते हो आप, हमने ये टच मंगाई है। हमारे पास इससे MI का 4X मॉडल है और आपको टच लगा के दिखाएंगे फोल्डर बना के मात्र 15,000 रुपये में, एकदम जनरल काम। पहले आप टच को अलग कर लें इस तरीके से, और टच को भी एक बार साफ कर लें, क्योंकि कभी बार होता है टच में भी डस्ट आ जाती है। इस तरह साफ कर लें। और हम ये OCA लेंगे, इसको आपको पहले इस तरह से निकालना है, फिर इसको एक बार आपको और निकालना है इसे। इस तरह से आप देख सकते हो, इसका ये भाग आप इस तरह निकालना है। ये आपको एक किनारे से लगाना है ऐसे, और इसको ऐसे करके रोल कर देना है। ये दोस्तों 100 रुपये का मिलता है मार्केट में। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। अगर एक थोड़ी बहुत स्पोर्ट रह जाती है तो आप इन्हें देखो जूम कर दिखाता हूँ मैं आपको। ये लाइन लगी, इसको आप उंगली से ऐसे करके कर सकते हैं, इससे ये लाइन भी आपकी गायब हो जाती है। और एक बार इसे फिर भी क्लीन कर लें। फिर हम जो ये एक्स्ट्रा OCA रह गई, इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। ब्लेड की मदद से आप ऐसे कटिंग कर सकते हैं इसकी। हमने उसी कटिंग कर ली है। अब हम इसको इसके फ्रेम में सेट करते हैं कुछ इस तरीका से, देख सकते हो। अब इसमें हम टच लगाएंगे, टच को इसके ऊपर लगाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 15,000 रुपये की मशीन से आप फोल्डर कैसे बना सकते हो। आपको दिखाऊंगा, डेमो करके पूरा दिखाऊंगा कैसे आप बना सकते हो। आपको 65,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये काम 15,000 रुपये में भी फर्स्ट क्लास हो जाएगा। दोस्तों ये हमने साफ कर लिया। जैसे ही हम इसे एक साइड से इसकी OCA को ऊपर से निकाल देते हैं, इसमें 3 लेयर होती हैं, जैसे कि दोस्तों ये आप देख सकते हो। ये मैं दोस्तों इसकी निकाल दी बनी, और आप देख सकते हो ये हमने साफ कर लिया। तो इसको आपको इस स्टाइल से रखना है, ऐसे करके यहाँ से मिला के दोस्तों ऐसे मिला के, और आपको हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा दबाना है खाली। ये देखो ऐसे ये छिलके यहाँ पे आप देख सकते हो, और ऐसे इसे ऊपर ऊपर उठा लेना है। ऐसे दोस्तों आपको ऊपर उठा लेना है, आप देख सकते हो इस तरीका से। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसे आपको आराम आराम से इस तरीके से प्रेस करना है, इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से। जैसे दोस्तों पंचिंग मशीन प्रेस करती है, इस तरीके से आपको प्रेस करना है। थोड़ा सा समय लगेगा, पर दोस्तों आपका काम परफेक्टली हो जाएगा। और बीच थोड़ा सा करने के बाद आप इसे छोड़ दें डिस्प्ले को,
और आराम से कर सकते हैं। इससे क्या है दोस्तों, आपको पंचिंग मशीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी कीमत मार्केट में लमसम 50,000 से 40,000 रुपये तक की है। आपका दोस्तों कुछ काम रुकेगा नहीं। आप इस तरीके से देखो दोस्तों, आराम से बड़ी प्यार से बहुत ही आराम से हो जाती है दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो दोस्तों बिल्कुल आराम से, आराम आराम से आप इसे कर सकते हो। ध्यान रहे दोस्तों, ये बबल्स जरा बड़ा ना बने, थोड़ा थोड़ा बबल्स में ही आप निकालते रहें आराम आराम से। देखो फाइनली दोस्तों हमने ये निकाल दिया है, अब ये लास्ट रह गया है, ये भी हमने देखो निकल गया दोस्तों, ये भी दोस्तों देखो आप ये देख सकते हो, आप देख सकते हो हाथ से हमने बनाया है। देखो प्रिंट चिपक गया, थोड़ा सा ही रह गया है। पहले दोस्तों आपको आपको आगे की जानकारी बता दूँ कि आगे आपको क्या करना है। इसके लिए इसे थोड़ा सा हमें गर्म करना पड़ेगा पहले। हाँ दोस्तों देख सकते हो, ये हमें थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पंचिंग मशीन नहीं है ना, इसी वजह से थोड़ा गर्म करना पड़ता है, और इससे है ना इसका बबल ढीला हो जाएगा और इसका फोल्डर बनने में बहुत ही आसानी रहेगी दोस्तों। अभी थोड़ा सा गर्म हो रहा है नॉर्मल से, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे पास सेपरेटर, इसको आप 105 पे सेट कर लें, थोड़ा सा गर्म होने दें। और देख सकते हो आप हमारे पास केबल फोल्डर बनाने के लिए, ये एक तो कंप्रेसर है और एक बबल रिमूवर है केबल। देख सकते हो दोस्तों इसमें तीन ऑप्शन है, ये वर्किंग, ये हीटिंग का ये मीटर लगा हुआ है, और प्रेशर का ये मीटर लगा हुआ है, और ये ऑन ऑफ बटन है, और ये वर्किंग टाइम है, यहाँ पर टाइम चलता है। दोस्तों हमारे पास पंचिंग मशीन नहीं है, आप भी बहुत ही आसानी से अपने हाथ से पंचिंग कर सकते हो, और आप 15,000 रुपये में फोल्डर बना सकते हो। देखो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ, बना के दिखाऊँगा आपको। अभी रुको, देखो दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा गर्म हो रहा है, और ये फाइनली गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और हम इस मशीन को चालू कर दे रहे हैं। जैसे हमने स्विच लगाया और इस मशीन को हमने यहाँ से चालू कर दिया, आप देख सकते हो दोस्तों इसमें टेम्परेचर और दोनों चालू हो गए। फाइनली हम इस फोल्डर को हम निकाल के उठाकर यहाँ पर इसमें रख देंगे दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों, और इसे बंद कर देंगे। फिर दोस्तों हम ये है एयर कंप्रेसर, इसको इधर प्रेस कर देंगे, इससे क्या है दोस्तों एयर का प्रेशर, इसमें देखो एयर का प्रेशर हो गया। और दोस्तों हम 2 मिनट वेट करेंगे और आपको फोल्डर दिखाएंगे एकदम फर्स्ट क्लास बनाकर। हाँ जी दोस्तों, आपको 65,000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप 15,000 में फोल्डर बना सकते हो, और आपका वर्किंग टाइम चल रहा है, मशीन चालू है, और इस मशीन का काम शायद कंफर्म हो चुका है, और 8 मिनट कुछ करीब इसकी मिनट हो चुकी हैं। अब हम इस मशीन को बंद करता हूं और दिखाता हूं आपको फोल्डर किस तरह से बना है। ये बंद कर दिया मशीन को, और इसकी एयर को भी बंद कर देते हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा है क्योंकि मैंने मशीन नीचे सेट की है, इसी वजह से। आप भी ऐसी सेट कर सकते हो। मैं इसमें से अब फोल्डर को बाहर निकाल रहा हूँ, फोल्डर देखो दोस्तों मैंने बाहर निकाल दिया है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ मशीन को। पहले इसको ऐसे खोल दें दोस्तों, और ऐसे खोल लेते हैं इसे, और ऐसे करके इसे घुमा के बंद कर देते हैं दोस्तों इसे। आप मशीन में बंद कर दिए है। अब फाइनली दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि फोल्डर हमारा कैसे बना है, कहीं बबल्स तो नहीं रह गए। आप सोच रहे होंगे कि 15,000 में आप तो ज्ञान दे रहा है या कुछ तो नया। मैं नहीं सोच दोस्तों आपको ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा। अब मैं आपको इसकी पॉलिथीन निकाल दिखाता हूँ, इसमें कोई बबल रहा है कि नहीं। अभी रुको दो मिनट दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों इसकी बबल्स निकाल दिखाता हूँ। देखो दोस्तों फाइनली टच देख सकते हो आप, इसमें देखो दोस्तों कोई भी बबल्स नहीं रहा है, कोई भी एक भी बबल्स नहीं है दोस्तों, देख लो। जबकि हमारी मशीन का प्रेशर केवल 40 था, जबकि प्रेशर उसमें 60 से 65 70 तक रहता है, 40 में देखो 40 में
40 प्रेशर में देखो दोस्तों कैसा फोल्डर बना है, आपको कहीं से वोल्ट नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप 65,000 रुपये क्यों खर्च कर रहे हो, आपका अगर इतना बजट नहीं हो तो आप इस काम को मात्र 15,000 रुपये में कर सकते हैं, जबकि 10,000 रुपये का बबल रिमूवर आएगा केवल, और आपका 5 से 6,000 का एयर कंप्रेसर। और ये दोस्तों आपको करोल बाग दिल्ली मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। और दोस्तों आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कैसे करना है क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं दोस्तों आपको पूरी पूरी मदद करूँगा, आप चिंता ना करें। और आपका टेक्नो डीसी जुगाड़ में स्वागत है, और फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए, आपका इसमें कोई बबल्स नहीं, कोई भी बबल्स नहीं है, कोई भी देख सकते हो आप, नो बबल्स, क्वालिटी एकदम बेस्ट। फिर भी दोस्तों आप सेटिस्फाई हो तो आप ये भी 15,000 रुपये आप फोल्डर बना सकते हो, जनरल किसी का भी काम कर सकते हो, आपको किसी का कोई जरूरत जाने की जरूरत नहीं है, 15,000 रुपये तो दोस्तों आराम से आप लगा सकते हो अपने घर पर ही। और कुछ भी जानकारी हो तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो कैसे क्या करना है। वैसे तो मैंने आपको वीडियो में पूरा दिखाई दिया है, और मैं आपको एक बार चेक करा दूंगा पूरा सेट पैक करने के बाद। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आप देख सकते हो इस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं। और बबल्स मैंने दिखा दिया आपको, बबल्स में कोई आ नहीं रहा था और मैंने फोल्डर चिपका दिया है। दोस्तों इसी तरह से दोस्तों आप फोल्डर बनाकर और कस्टमर को मोबाइल दे सकते हो। दोस्तों आपका मात्र 15,000 रुपये, मात्र 15,000, कितना सस्ता रेट है, पहले लोग लूट रहे थे मशीन की कीमत 1,90,000-80,000, आप मात्र 15,000 रुपये में अपना काम को कर सकते हो, हू जेनुअल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ओसिया इस टाइप की होती है, आपको बताना चाहूँगा आपकी ओसी इस टाइप की ओसी होती है, इसमें 3 लेयर होती है, आप फर्स्ट लेयर ये होती है, दूसरी ये लेयर होती है ये वाली, इसके नीचे छिपकर निकलती है। और देखो दोस्तों सेट पूरा खुल गया है, और आप इस तरह से फोल्डर में कोई भी बबल्स नहीं है, मैंने आपको दिखा चुका हूँ, आप इसी तरह से फोल्डर बना सकते हैं। ये दूसरी ओसी की पन्नी, इसे निकालने से चिपकन आती है, इसे डिस्प्ले पे ऐसे करके रोल की मदद से आपको चढ़ा सकते हो। और दोस्तों आपको डेमो देना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपके पास ये और एक ओसी आप पे, हाँ दोस्तों मैं आपके पास ये कि ओसीए डिलीवर कर दूंगा, जिससे कि आप चेक कर सकते हो अपने मॉडल चढ़ाकर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको, आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजें, मैं आपको ये फ्री में भेज दूंगा, और आप टायर बंजर ले सकते हैं हाथ से ही पंचिंग करके, अगर कुछ बबल्स रह जाते हैं तो आप समझ लेना कि ये बबल रिमूवर चले जाएंगे। तो आप दोस्तों 15,000 रुपये मशीन का मज़ा ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।